वेलकम बैक टू माय चैनल सुषमा किचन। मैं हूँ सुषमा। आज मैं आप लोगों के साथ छेना की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दूध फट गई थी तो उसका छेना से मैंने यहाँ पर सब्जी बनाया है। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। कढ़ाई में सरसों तेल देकर गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो गई है तो इसमें मैंने गोटा जीरा, बड़ी इलायची को क्रश करके, हरी इलायची क्रश करके, दो तीन गोल मरीच के दाने, दो तीन लौंग दे दिया है। वो सब चटक गई है तब मैंने थोड़ा सा काला वाला सरसों जो होता है वो दे दिया है। और फौरन जब चटक गई है तब मैंने यहाँ पर एक बड़ा प्याज को कट किया हुआ था उसे इसमें डाल दिया है। और इसे अब गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई कर ले रही हूँ। थोड़ा देर फ्राई करने के बाद मैंने इसमें टोमेटो ऐड कर दिया है और इसे भी अब मैं मिला ले रही हूँ। इसे भी थोड़ी देर पकाऊंगी और गैस का फ्लेम एकदम मीडियम पर रखेंगे जिससे प्याज और टमाटर सिद्ध हो जाए। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद मैं इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक और हल्दी ऐड कर दे रही हूँ। नमक और हल्दी ऐड करने के बाद इसे मिला ले रही हूँ क्योंकि नमक देने से प्याज जल्दी से गल जाएगी। और फौरन में गोटा मसाला देने से बहुत अच्छा स्वाद लगता है और सब्जी जब बन जाती है तब आप इसे खाते हैं तो ये गोटा मसाला जो मन में आता है ना तो बहुत अच्छा स्वाद लगता है, इसीलिए इसका फौरन में गोटा मसाला दिया जाता है। ये देखिए मैंने इसमें हल्दी भी ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद थोड़ी देर के बाद जब नमक में टोमेटो और प्याज सिझ हो गई थी और थोड़ा सा पानी छोड़ने लगा था तब इसमें हल्दी ऐड कर दिया है मैंने। और इसे इस तरीके से मैं मिला ले रही हूँ। इसे अब थोड़ी देर ढककर मैं इसे पकाऊंगी। थोड़ी देर ढककर पकाने के बाद ये देखिए पक गई है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें रोस्टेड जीरा पाउडर ऐड किया है। इसे भी अब मैं मिला ले रही हूँ। और यहाँ पर देखिए अदरक लहसुन को मैंने ग्रेट करके डाल दिया है। इसका पेस्ट नहीं तैयार किया, इसे आप चाहें तो खल में कूट कर भी डाल सकते हैं। मसालों को अब मैं मिला ले रही हूँ। मिलाने के बाद थोड़ी देर इसे फिर ढककर मैं पकाऊंगी। ढककर पकाने के बाद ये देखिए कितना अच्छा खुशबू आ रही है इसमें से और मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अगर मसाला ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो ड्राई मसाला देने के बाद मसाला जल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने भी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। ऐड करके इसे ये देखिए प्याज पूरी तरीके से गल गई है, प्याज और टमाटो, और बहुत ही अच्छा खुशबू भी आ रहा है। बहुत ही टेस्टी बना था ये सब्जी। आप लोग भी इसे अपने घर में जरूर से ट्राई करिएगा। यहाँ पर देखिए गाय का दूध फट गई थी तो छेने का मैंने सब्जी बनाने का सोचा। तो इसे आप एक कॉटन कपड़ा में रखकर इसका पानी को ज्यादा नहीं निचोड़िएगा, हल्का इसका पानी को निकाल दीजिएगा। निकालने के बाद ये देखिए मैंने मसाला जब भून गई है तो इसमें छेना को ऐड कर दिया है। आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं और यदि आपको रस लगे तो इसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे चावल के साथ खाऊंगी इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ। इसे ऐसे भी खाया जा सकता है। तो ये देखिए इसमें मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है।
मेरे यहाँ लोग झोल थोड़ा पसंद करते हैं। तो देखिए पानी ऐड करने के बाद इसे अब कुछ देर के लिए मैं पकाऊंगी, ढक करके इसे अब मैं पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ। इसमें पानी थोड़ा सा मुझे कम लगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। उसके बाद अब इसे मैं ढक करके पका ले रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप लोग भी इसे अपने घर में जरूर से ट्राई करिएगा। सभी के घर में तो दूध आते ही हैं, दूध फट जाते हैं, तो हम लोग इसे सब समय तो रसगुल्ला बनाना पॉसिबल नहीं है या कोई स्वीट डिश, तो इस तरीके से आप सब्जी भी बना सकते हैं और इसका टिकिया भी बना सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ी देर ढकने के बाद ऐड कर दे रही हूँ और गैस का फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करके ऑन कर दीजिएगा, जिससे जब कभी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।